वस्ती कश्मीर के जिला गांधरबल के जिला अस्पताल में खराब लिफ्ट के नतीजे में इस लिफ्ट में 3 मरीज कई वक्त के लिए लिफ्ट में फंस गए और अस्पताल के एक मुलाजिम की बरवक्त कोशिशों के बाद ही इनको लिफ्ट से बाहर निकाला गया। इत्तला के मुताबिक इस लिफ्ट में करीब 3 अफराद काफी देर तक लिफ्ट में फंसे रहे और इनमें से 2 दम घुटने की वजह से तकरीबन बेहोश हो गए थे। बाहर आने के बाद लिफ्ट में फंसे हुए अफराद ने वैली ऑनलाइन को बताया कि इनके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था और उन्होंने हुक्काम से अपील की है कि वो लिफ्ट को अच्छी हालत में रखें ताकि और कोई हादसा पेश न आए। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में लिफ्ट की सहूलत किसी टेक्नीशियन या तरबियत याफ्ता शख्स के जरिए नहीं चलाई जा रही है और अगर हुक्काम अस्पताल के अंदर इस तरह के मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं देगी तो इसके नतीजे में कुछ और संगीन हादसात पेश आ सकते हैं। पेश है गांधरबल से वेली ऑनलाइन वेब डेस्क की ये खसूसी रिपोर्ट। अगर मैं मुखालफत कर रहा हूँ तो अपनी किस्मत की मुखालफत कर रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि मैं क्यों चला इस लर्ज लिफ्ट में? अगर लिफ्ट ठीक नहीं है तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको लिफ्ट नहीं रखना चाहिए, उनको लिफ्ट बंद करना चाहिए। कम से कम किसी का मौत सजा न हो जाए। यहाँ एक लड़की थी मेरे पास, वो इतनी बीमार थी, कहने के बाद उसको हार्ट अटैक पता नहीं क्या हो गया। मैं उसको ऐसे ऐसे रगड़ता रगड़ता रहा। कितनी देर तक आप बच्चे? पूरे 1 घंटे हम फंसे हुए। और इस इनको बेचारों को बहुत इनका शुक्रगुजार मैं हूँ कि इनके मुलाजिम ने मुझे हमें इन मुसीबत से बहुत के मुँह से हमें निकाला है। चलो चलो ये फिर स्थिति क्या मसलो लेकिन बहुत जरूरी कमी है, खासकर यहाँ जो स्टाफ है, स्टाफ की बहुत कमी है। यहाँ लिफ्ट लगा कुछ ऑपरेटर है नहीं, कोई खुद भी चलाना पड़ रहा है, कोई नहीं चला। अभी हम 1 घंटे से अंदर बैठे हुए थे इस लिफ्ट में, 2 लड़कियां मेरे साथ थी, पता नहीं उनका क्या हाल हो गया। और मैं इतने रगड़ रगड़ के मैं थक गया, खुद भी मेरे अपने जिसमें भी जवाब दे दिया कि मैं ये लगा कि अब लाश फेंका गया है। इन्हें मैं खुद अपने आप से कह रहा हूँ कि मुझे अब मरना है। अब इन लड़कों की अब क्या मैं करूँ, कौन सा जवाब मैं दूँ? लेकिन यहाँ से लिफ्ट जब बंद हो गया, इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का। ये जो यहाँ बैठे हुए यहाँ अस्पताल में, ये बेचारे इतनी मेहनत करके ऊपर गए, नीचे गए, मुझे दिलासा देते रहे, दिलासा देते पूरे 1 घंटे का दिलासा देते रहे मुझे कि नहीं हम यहाँ है आपके साथ, हम यहाँ। लेकिन अभी एक लड़की वहाँ पड़ी हुई है, उसके होश नहीं है, पता नहीं वो कहाँ ले गई। मैं उसको रगड़ता क्या करता मैं, एक आदमी क्या करता है, तो मुझे खुद में खुद को तारीफ हो गया अपने आप पर कि अब मैं मुझे भी अपने जवाब देने लगा। इसलिए मैं आप गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एलजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जनाब आपने हमें मेहनत रखी है, अस्पताल दे दिया है, लेकिन अस्पताल का अमला कहाँ है? अस्पताल में जो अमला काम है वो दीजिए। हमला तो यहाँ बहुत है, हर कोई अच्छा काम करता है, हम किसी की मुखालफत नहीं करते, हर कोई अच्छा काम करता है। डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ है, हर कोई अच्छा काम करता है, लेकिन स्टाफ की कमी है बहुत। कम से कम स्टाफ दीजिए, कम से कम यहाँ ऑपरेटर दीजिए, कोई और बढ़ जाए इस लिफ्ट में। जनाब आपने हमें मेहनत रखी है, अस्पताल दे दिया है, लेकिन अस्पताल का अमला कहाँ है? अस्पताल में जो अमला काम है वो दीजिए। हमला तो यहाँ बहुत है, हर कोई अच्छा काम करता है, हम किसी की मुखालफत नहीं करते, हर कोई अच्छा काम करता है। डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ है, हर कोई अच्छा काम करता है, लेकिन स्टाफ की कमी है बहुत। कम से कम स्टाफ दीजिए, कम से कम यहाँ ऑपरेटर दीजिए, कोई और बढ़ जाए इस लिफ्ट में।
मैं यहाँ ड्यूटी हूँ, मैं यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ का एक बंदा हूँ और मैं यहाँ चल रहा था, ये आवाज़ मार रहा था मुझे बचाओ मुझे बचाओ। मैंने बहुत लाख कोशिश इसको बचा के, मैंने खुद लिफ्ट में चढ़ा हूँ, मैंने इसको बचाया है और लिफ्ट फंसा हुआ था, मैंने कोशिश करके और ये जैद पाया और मैंने बहुत कोशिश करके हमने कहीं से इसको लॉक खोल के दिया और इसकी जान बचाई, इसकी कीमती जान बचाई। कितने बंदे थे इधर? तीन, इसमें तीन बंदे फंसे थे इसमें। हमने बहुत कोशिश की, मेहनत की और इसको बचाया और हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बहुत कोशिश की, बेचारे ने बहुत कोशिश की इनको बच को बचाने की, क्योंकि वो भी यही खड़ी थी हमारे साथ, उसने भी यहाँ काम हमारे शानदार शान काम किया हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।